सो हे गाइस, कैसे हो आप सब। तो दोस्तों, यहाँ पे Redmi Note 8T के बारे में बात करने वाला हूँ। तो गाइस, यहाँ पे एक इमेज लीक हुआ है जो कि आप देख सकते हो अपने स्क्रीन पे, और यहाँ से सारा स्पेसिफिकेशन हम लोगों को पता चल जाता है। और गाइस, यहाँ पे पूरा जेन्युइन स्पेसिफिकेशन देने वाला हूँ, तो वीडियो पे पूरा बने रहना। प्राइसिंग के बारे में बताऊंगा और लॉन्च डेट के भी बारे में बताऊंगा। तो गाइस, Redmi Note 8T के बारे में जानना है तो वीडियो पे पूरा बने रहना। तो आइए गाइस, शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले अगर बात करेंगे Redmi Note 8T का यहाँ पे डिज़ाइन एंड डिस्प्ले के बारे में, तो यहाँ पे आपको एक ग्लास वाली बैक मिलने वाली है जिसमें कि ग्लॉसी ग्रेडिएंट का फिनिशिंग आपको देखने को मिल जाएगा। पीछे की तरफ आपको क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा। अगर बात करते हैं फोन के डिस्प्ले के बारे में, तो यहाँ पे आपको 6.3 इंच का डिस्प्ले मिलेगा, जहाँ पे फुल HD प्लस सुपर एमोलेड की तो रेजोल्यूशन नहीं मिलेगी। यहाँ पे आपको IPS LCD का पैनल देखने को मिल जाएगा, और आपको यहाँ पे वाटर ड्रॉप नॉच देखने को मिलेगी। अगर बात करें यहाँ पे फोन के प्रोसेसर के बारे में, तो गाइज यहाँ पे आपको मिलेगा स्नैपड्रैगन 665 का प्रोसेसर। जी हाँ गाइज, स्नैपड्रैगन 665 का प्रोसेसर मिलेगा। यहाँ पे कोई स्नैपड्रैगन 730G का प्रोसेसर नहीं मिलने वाला, आपको स्नैपड्रैगन 665 का प्रोसेसर मिलेगा। और आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा काफ़ी अच्छा यहाँ पे गेमिंग एक्सपीरियंस। और गाइज, ये लॉन्च होगा इनिशियली 4GB 64GB वाले रैम वेरियंट्स के अंदर, और आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा एंड्रॉइड 9.5, और आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा MIUI 10। तो अब फटाफट से बात करते हैं फोन के कैमरास के बारे में। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है क्वाड कैमरा सेटअप, जहाँ पे 48 मेगापिक्सल का मेन कैमरा आपको देखने को मिल जाता है, जिसमें कि हो सकता है गाइस कि आपको सोनी का सेंसर मिले। और आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाला है एक अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस 8 मेगापिक्सल का, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस। सेल्फी के बारे में बात करें तो गाइस, आपको यहाँ पे 20 मेगापिक्सल का हो सकता है आपको सेल्फी कैमरा देखने को मिले, या फिर 13 मेगापिक्सल का ही सेल्फी कैमरा आपको देखने को मिलेगा Redmi के Note 8 की तरह। अगर बात करेंगे यहाँ पे कुछ और फीचर्स की, यानी बैटरी कंपार्टमेंट के बारे में, तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है 4000mAh की बैटरी, जिसमें कि 18 वाट का फास्ट चार्जर आपको बॉक्स में ही देखने को मिल जाएगा। USB टाइप सी का पोर्ट होगा, और आपको 3.5mm हेडफोन जैक भी देखने को मिल ही जाएगा। तो बस गाइस, ये थे कुछ के स्पेसिफिकेशन जो कि मैंने आपको बता दिया, और 100% कंफर्म है गाइस। और यहां पर बात कर लेते हैं फाइनली फोन के प्राइसिंग के बारे में। तो गाइस, ये जो फोन है लॉन्च होने वाला दोस्तों 11000 से लेकर 12000 रुपए के प्राइस रेंज के अंदर ही। जी हां गाइस, आपको इनिशियल रैम वेरिएंट्स इसी प्राइस रेंज में देखने को मिलेगा। अगर बात करेंगे इस फोन के लॉन्च डेट के बारे में, तो गाइस इंडिया में ये फोन काफी जल्दी आने वाला है, मे बी आपको 1 से 2 महीने के अंदर ही देखने को मिले। मोस्ट प्रोबेबली आपको इसी मंथ के, मतलब नवंबर के मंथ के मिड में ही देखने को मिल सकता है। तो बस गाइज, आज की इस वीडियो में बस इतने। अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, क्योंकि ऐसी वीडियोस में आप सभी के लिए डेली अपलोड करता हूँ। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में गाइज, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।